हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी बेटा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हैं, गेट का, नेट का, सीडीएस का, पता नहीं कितने एग्जाम्स दिए हैं, जिसमें से वन ऑफ देम वाज नीट आल्सो, मैंने नीट भी दिया है। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होती है बेटा, कि जब जहाँ भी जिस भी सेंटर पर आपका एग्जाम है वहाँ टाइम से पहुँचो, एकदम टाइम से पहुँचो, बिल्कुल लेट नहीं। और सेंटर के बाहर किताब नहीं ले जानी, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया भैया, और सेंटर पे टाइम से जाके टाइम से एंट्री लो, और बिल्कुल ध्यान से अपने माइंड को एकदम पीसफुल करके अपना रूम नंबर ढूंढो, क्योंकि कई बार हम इतने हौच पौच होते हैं, हम गलत रूम नंबर ढूंढते हैं और फिर गलत रूम नंबर में पहुंच जाते हैं, और फिर क्या होगा, ओहो हो गए तो गलत रूम नंबर में आ गए, भागो भागो यार मेरा तो पेपर छूट जाएगा। एक बार जब हार्ट बीट तेज हो जाती है ना बेटा, फिर उसको नॉर्मलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एग्जाम में ये सब नहीं होना चाहिए। एग्जाम में बैकग्राउंड बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, टाइम से पहुंचो, टाइम से अपने सेंटर पे जाओ, बिल्कुल ध्यान से अपना रूम नंबर देखो, अपने रूम में पहुंच जाओ टाइम से, और बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेके एकदम सुकून से बैठ जाओ कि भैया जब पेपर मिलना है तो उसे फोड़ना है, पेपर मिलते ही उसको फोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ उस समय दिमाग में होना चाहिए कॉन्फिडेंस, और कुछ नहीं, कोई थॉट्स नहीं, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो, हे भगवान मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं। बस उस समय एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, अभी जो मेरे पास 3 घंटे है ना, ये 3 घंटे मुझे फोड़ना है पेपर, ये 3 घंटों में मुझे पेपर फोड़ना है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूं बेटा, कि दिमाग एकदम शांत होना चाहिए, काम, एकदम काम, उसमें कोई जो है हबड़ तबड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक बार दिमाग ऐसे हबड़ तबड़ में आ जाता है ना, फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता।